गाइस गुड मॉर्निंग करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। जय माता दी बोल के मंदिर में जोत जल चुके हैं, आरती हो चुकी है, भोग लग चुका है और बस आज थोड़ा सा आरती का सीन दिखाना भूल के आ गया, थोड़ा सा जल्दबाजी थी और क्योंकि मैं शॉप पे थोड़ा सा जल्दी निकलूँगा आज किसी कस्टमर ने आना है। अब सीज़न का टाइम है, फिर ऐसे ही रहता है, भाग दौड़ वाला काम रहता है। और आज बिग बॉस भी स्टार्ट हो रहा है भाई, बिग बॉस भी स्टार्ट हो रहा है आज और देखेंगे कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा। बाकी इनका बिग बॉस का वाला होगा तो भैया कुछ पता नहीं लगता, कभी क्या है कभी क्या है। और बस अब काम को कर लिया है और नाश्ता करने की तैयारी करनी है, नाश्ता करते ही सीधा निकलना है शॉप पर। और आज है संडे वाला दिन, देखते हैं। तो गाइस बस नाश्ता कर लिया, शॉप पर निकल। गुड मॉर्निंग, बाहर क्या मस्त हवा चल रही है, देखो एकदम आज हवा कितनी सही चल रही है बाहर। बस अब दुकान पर निकलने की तैयारी चल रही है। और गाइस ये वाला जो साथ वाला मकान बना ना, इसने सारी गड़बड़ कर दी है बाहर सारी चीज़ों की, और सारे खराब हो गए हैं, टाइलें भी टूट गई, सारी चीज़ें करवाएंगे। अब देखो मेरी एक फ्लोर है, ऊपर वाले की फ्लोर है, सारे जने मिलके काम कराएंगे तो बाहर थोड़ा सा जैसे ये नई टाइलें वाले लगी है ना इस मकान पे भी करवा देंगे, ठीक है ना। और बस नाश्ता कर लिया, निकलने की तैयारी करते हैं फटाफट। बस दुकान भी आ गया था, संडे का दिन है भैया और बस काम कुम का काफ़ी दिन होता है और फटाफट अब निकलूँगा लंच करने के लिए, जा रहा हूँ घर पे। और सुबह से आओ शाम तक टाइम ही नहीं मिलता यार, 11 बजे के आसपास लोग शॉप पर आ जाओ, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे आरती करते हुए और फटाफट घर में भी इतना ब्लॉग बनानी है और फटाफट दुकान में भागने की कोशिश की है। और भूख लग रही है भैया, भूख लग जाती है काम करते करते। अब हमारे जो डॉली को फ्रूट दे रखे हैं, A4 एप्पल दे रखे हैं, अब एप्पल को कटिंग करते हैं। एप्पल को बना नाशपाती है पर एप्पल है, बनाना वगैरह डॉली ने दिया हुआ है, वो फ्रूट खाते हैं। फ्रूट टाइम हो चुका है हमारा और उसके बाद लंच करने जाएंगे आधे घंटे के बाद। और आज संडे का दिन होगा, मार्केट में बहुत रश होगा क्योंकि कंचुकों का कुछ अभी पता नहीं लग रहा, कोई कह रहा वीरवार की है नवी अष्टमी, कोई कह रहा फ्राइडे की अष्टमी है। ज़्यादातर लोग अष्टमी मनाते हैं और नवमी भी मनाते हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा भैया अष्टमी वीरवार की है शुक्रवार की है। और पंडित जी से पूछा था, कहते हैं नवी अष्टमी और नवी इकट्ठी है। बाकी देखो भैया अब ये त्योहारों का अभी कुछ पता नहीं लगता इस टाइम। गुड आफ्टरनून, तो गाइस रोटी बन रही है बढ़िया सी मस्त, क्या पराठा भी बना रही है आलू का? हाँ, इनको आलू का परांठा खाना है बच्चों। अच्छा जी, तभी मैंने कहा आलू का परांठा भी बना दूँ साथ साथ। आलू का परांठा तुम खा लो। लंच कर लिया, टाइम हो चुका है 4 बज गया, किसी कस्टमर का फोन आ गया, वो शॉप पे खड़ा हुआ है। साथ बोले तो वड़ा पाव के पास आया था मगर उसमें लहसुन डाल रहे हैं वो पाव के अंदर, तो इसलिए भैया सीधा अब घर सार्थक ने बोला था लाने के लिए। अब जा रहा हूँ सीधा मार्केट। वड़ा पाव में लहसुन था यार इसलिए मैंने लेके नहीं आया है। चल मैं कोई बात नहीं, फिर मैं अटेंड कर लूँ कस्टमर, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। तो गाइस बस चाय पीने का टाइम हो गया, अभी सार्थक आया था चाय लेकर, भाई मेरा तो जल्दी आ गया था शॉप पे, आज संडे का दिन था। और वड़ा पाव लेने गया था, सार्थक ने बोला था मगर उसमें लहसुन डाल रहे थे, वो लहसुन वाले ही चटनी वाले हाथ थे सारे, और उसी में नॉर्मल बना रहे थे उसी में दूसरा बना रहे थे, वो सारी जो चटनी का फ्लेवर है भैया उसमें लग रहा था। लहसुन बहुत तगड़ी वाली खुशबू आ रही थी। देखो कई लोग लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं नवरात्रों में, इसलिए भैया हम तो खाते नहीं हैं। बस अब चाय का टाइम हो गया इसलिए मैं लेकर ही नहीं आया, अब चाय का टाइम हो गया चाय पीते हैं। कोट पैंट कट के आ गए हैं यहाँ पर डिज़ाइन वाले, और मास्टर जी अब कढ़ाई उतार रहे हैं कहाँ कहाँ पर है। हाय गाइज करते हैं, अब इस पर कढ़ाई होनी है, एक इस पर कढ़ाई होगी, इस पर कढ़ाई होगी, दोनों पर कढ़ाई होगी। पूछी आ गई है घिया भैया, अभी घिया तो रही यही है भाई, मैं लेट हो गया ना दुकान पे, टाइम नहीं मिला। नहीं मैं तो थोड़ी सी खीर या चावल बना लूंगी, बस ये इनके लिए बना दूंगी, जो लेट खा सकते ना, फिर भोग भी लगानी है ना। सारी सब्जी प्याज अभी भी नवरात्र चल रहा है 50-60 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो है। प्याज का तो कोई रोल नहीं है, मगर टमाटर 100 रुपए मैंने मंगाए आधा आधा किलो की, दो थैलियाँ आई थी। अच्छा। और दूध मंगाया था चीना ने, और हाँ मैक्रोनी मंगाई थी अपने लिए, बनाई नहीं, पैकेट भी लेके रख दिया, नहीं टाइम मिला होगा, तो 3-4 चीजें मंगवाई थी। वो कहते मम्मी जब तक से मंगवा, तिलक नगर इतना रश था 9:45 बज गया, देख लो मैं आया हूँ वहाँ पर। इसलिए इसलिए क्यों रश? अरे सीजन चल रहा, काम के चक्कर में इतना रश था, मेन मार्केट में गया था, इतना रश कुछ खाने की हद नहीं। इसने वड़ा पाव बोला था लाने के लिए, वड़ा पाव लेने गया, मगर वो पता क्या कर रहा है, गार्लिक वाला पाउडर लेके ना, लहसुन वाला पाउडर, रेड पाउडर है,
रेड पाउडर है वो उसी में डाल रहा है, बिना उसके भी डाल रहा है, कह रहा है एक अलग पाउडर बनाया कर, मतलब उसी हाथों से डाल रहा है। हाँ, तो मैंने, हाँ, फिर मैंने मना कर दी, मैं कहीं हाँ नहीं नहीं खा रहे, इसको मना कर दिया। इसको बंदे को चाहिए कि जो भी जो ये वाला खाता है दो बंदे रख दो, एक अलग बनाए, नहीं बना के पहले से रख दो, चम्मच से डाल दो, दूसरे अपने हाथ को इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए ना वैसे। चल ठीक है, चलो ना, बना लिया खाना आपने? मैंने वो दाल रखी हुई। बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है भाई, बड़ी देर से तो कौन कौन गया है अंदर? अभी कुकर रख दिया भाई, अब बनाने की बारी, घिया बनाते हैं वर्त के अंदर। ये घिया है, घिया बनाते हैं। सनफ्लावर ऑयल में मैंने डाल दिया है जीरा और छोटी इलायची और बड़ी इलायची और टमाटो प्यूरी डाल, मैंने डाल दी इसमें अदरक ताकि फ्लेवर आ जाए बढ़िया सा, और मोटी इलायची, छोटी इलायची, अदरक और जीरा इसके अंदर हो रहा है बढ़िया सा रोस्ट। अब जाएगी टमाटो प्यूरी, बस इसको अच्छा कुकर के अंदर ना भूनने देते हैं, अच्छे तरीके से भुना ही होगी इसके। अब मसाला, टमाटर का मसाला अच्छे तरीके से भून रहा है और हमने आलू और घिया को ना काट के रखा। तो गाइस बढ़िया सा जो हमारा टमाटर है अच्छे तरीके से भून चुका है और ऊपर आ चुका है, डालेंगे मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर और सैंडल में पहले डाल दिया है। कई लोग कहते हैं कि हल्दी हम नहीं खाते, हम तो खाते हैं भाई। मसाले में बढ़िया सा कलर आ गया, टमाटर भून चुके हैं, इसमें जा रहा है दही, दही डाल देते हैं थोड़ा सा ना, डाले डाल। अब दही को भुनाई होगी भैया, नहीं अच्छा अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। बस बढ़िया सा हमारा घिया और आलू की सब्जी बन गई है, दही डाला, दही अच्छे तरीके से भुन जाएगा, उसके बाद डालेंगे। ये अच्छे तरीके से भून चुका है, अब डाले जाएंगे इसमें घिया और आलू जो मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, और आलू को अच्छे तरीके से 5 मिनट भूनना है, फिर इसमें कुकर की 3 सीटियां लगानी है और ये घिया आलू बंद करते हैं। तो गाइस बस अब घिया की सीटी बंद हो गई और डॉली ने इसी बीच बना ली है खीर। मैं अंदर बिग बॉस देख रहा था, डॉली ने खीर बना ली है। मैंने चावल भी भिगो रखे थे ना, चलो थोड़ा सा सब्जी के साथ खीर का भोग लो। बैक कैमरे बन गई है खीर, स्वांग के चावल की बढ़िया सी खीर खा लेना, बहुत मस्त बनी है, खुशबू आ रही है। मिठाई भी लगा, 2 या 3 सब्सक्राइबर आए थे आज शॉप पर, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और उस टाइम मैं काम कर रहा था। शालिनी जी आई थी वेस्ट पटेल नगर से और वो हमारे सारे ब्लॉग देखते हैं, इवन वो शिब्बू भैया को भी जानती हैं। अच्छा, हाँ, निक्की के, ललिता भाभी जी के, हेमा के, पूजा के, सबके ब्लॉग देखते हैं और वेस्ट पटेल नगर से आए थे। तो मैम से मैंने बात की थी और अच्छा लगा बात करके, और थैंक यू सो मच मैम शालिनी जी, आप आए थे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी एक देवदास जी आए थे, देवदास फरीदाबाद से, हाँ हाँ देवदास नाम था उनका सच में, हाँ हाँ। यार मेरे को ना आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, देवदास क्यों है यार? देवदास लोगों का नाम नहीं होता क्या? देवदास नाम नहीं है क्या दुनिया में? पिक्चर में सुना ना इस फरीदा, हाँ एक फरीदाबाद से आए थे, एक तो तिलक नगर से ही आए थे, वो पास ही कृष्णापुरी रहते थे, वो आए थे। बस 3 सब्सक्राइबर हमारे आए थे, प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच आपका। देखो कई बार टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैंने आपसे बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सबसे बात की है, मगर वीडियो आज बिल्कुल भी नहीं शॉप पर बन पाई है क्योंकि आज संडे का दिन था, मार्केट में इतना रश था, तिलक नगर में इतना रश था भाई, कुछ करने की इतनी बहुत ज़्यादा। मैं भी थोड़ा देर काम गया था, फिर मैं तो भैया जा नहीं पाया, उस पर निकल ही नहीं पाया मैं। घर पे भी आए थे सब्सक्राइबर, नाम बताया था उन्होंने, घर पे भी आए थे मिलने के लिए। भाभी यार हम सबसे मिलके गए, निक्की आई नहीं थी तब ऑफिस से, क्या नाम उनके लिए, नाम ना ललिता भाभी को याद है, मैं नाम भूल गई। अच्छा, देखो आते हैं गाइस मिलने के लिए, आपका प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इतना अच्छा लगा कि उनकी आंसू में, आंखों में पानी आई जा रही बार बार, कहती मैं तो मतलब वो भी नहीं कर पा रही कि आप लोगों से स्पेशल मतलब ऐसे रियल में मिल पा रही हूँ। नहीं आते हैं, देखो हम भी आधे से ही लोग हैं भाई, नहीं भाई इंसान है, हम भी नहीं है, हम भी खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा काम हम खुद से ही करते हैं, वो भी देख के इनको भी पता लग गया कि हम सारा काम खुद से ही करते हैं। अभी मुझे तो कढ़ाई वाले नाम नहीं याद रहा, मैं भाभी से नाम पूछ के बताती हूँ मुझे, क्योंकि आप तो रियल में ही सब इतने सुंदर हो, देख के लगता नहीं है मैं क्या भाई, रियल चीजें होती है। ये देखो भाई मैं चिप्स खा रहा था, आधा चिप्स मैंने पैंट की पॉकेट में रख दिया, बस भूख लगी, देर हो गई है बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा बस डिनर करके मिलते हैं। स्वाद के लिए थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दिया और बढ़िया सा, ये देख लो भुना हुआ जीरा और गरम, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल, गरम मसाला तो मैंने दूसरी चीजें। तो गाइस डिनर हो चुका है और मैंने चाय रख दी है, चाय बनने के लिए मैंने कहा चाय रखती हूँ, आधा आधा कप चाय पीते हैं क्योंकि आज चाय में सार्थक लेकर आया था शॉप पे, पीने लगा बिल्कुल ठंडी हो गई चाय और बहुत टाइम लग गया था चाय में,
मतलब वो स्वाद नहीं आया। अब कई बार होती हैं चीज़ें, और टाइम इतना नहीं था कि मैं बाहर से भी मंगवा लूँ, और मैंने कहा आराम से घिया की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। अब चाय भी बन गया हमारी, चाय पी लिया, टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का। डॉली को भी चाय पिला दिया है, और बस इनविटेशन मिल गया भाई, गोलू और पायल से इनविटेशन मिल चुका है हमें, और चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। जागरण है आपको पता है, जय माता दी, और बस जाएंगे भाई इस बार ही तो। इस बार तो पक्का है, पक्का। और 17 अक्टूबर को है, कोई वो नहीं है। आगे फ्राइडे है उस दिन, फ्राइडे है बट उस दिन छुट्टी है काकू की। छुट्टी है ना, थर्सडे है ना, हाँ थर्सडे इवनिंग है। बेटे वाल्मीकि छुट्टी है ना, बेटे वाल्मीकि जयंती थर्सडे को, हाँ थर्सडे को वाल्मीकि जयंती, छुट्टी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह निकलेंगे पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज बस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, और बिल्कुल इस बार जरूर जाएंगे भाई, चाहे जो मर्जी हो। आप कमेंट्स मत करना कि आप नहीं जाओगे, और आप देख लेना अगर जाएंगे हम पक्का वहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है जी। और सब जने जाएंगे, तो गाइस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि एक एक दिन की बात है, सुबह जाओ तब पहुंचो अगले दिन वापसी, कोई दिक्कत नहीं। रात की जागरण रात की होगी तो फिर कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगी। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।